हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। और आज मैं छत पे आई हूँ तो आप लोग को फिर दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने अनार जो लगाया कितना अच्छा ये फला है। फलने के बाद पक भी गया है। इससे पहले मैंने अनार के वीडियो दिखाया था, आज मेरा ये अनार पक गया तो मैं सोची हार्वेस्टिंग करूँगी तो आप लोग को दिखा देती हूँ। क्योंकि जो मैं फल लगाती हूँ वो सब मैं आप लोग को दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो भी पौधे हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अभी मेरा ये अनार पक गया है और पक तो गया फ्रेंड, बहुत सारे अनार मेरे हवा तेज चलने से गिर भी गया और अभी लगे भी हैं कुछ फल, ये दिख रहा होगा एकदम सभी अनार मेरे पक गए हैं। और अभी मैंने कल ही एक तोड़ के खाया है तो मैं सोच रही थी कि आप लोग को दिखा दूं। जो हम लोग लगाते हैं छत पे उसकी बात ही अलग होती है और बहुत ही अच्छा ये फलता भी है। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और ये देखिए, और इसकी डाल इतनी अच्छी लग रही है, इसे लटका हुआ देख रहे होंगे आप, ऐसे इतना खूबसूरत ये दिखता है अनार का पौधा मेरा और अनार का फल ये। और इसकी ये अब पक गया फ्रेंड, तो अब इसमें क्या न्यू पत्तियां आने लगी हैं, ये देख रहे होंगे आप, न्यू पत्तियां आना स्टार्ट हो गई है फ्रेंड। तो अब इसमें मैं खाद भी डालूंगी। खाद मैं बना के दिखा चुकी हूँ कि आप मैं कौन सा खाद डालती हूँ जिससे मेरा अनार फलता भी है। और मैं इसकी कटिंग भी करूंगी, ये अनार मैं तोड़ लूंगी फिर इसका मैं इसकी कटिंग भी करूंगी और आप लोग को ये भी दिखाऊंगी कि मैं इसकी कटिंग किस तरीके से करती हूँ अपने अनार प्लांट की, जिससे मेरा अनार हर साल ग्रो करता है, हर साल फलता है। और इससे पहले वीडियो देखे होंगे आप मेरा कितना सारा अनार फला हुआ है फ्रेंड। तो बहुत सारे दोस्त बोलते हैं गमले में अनार फल ही नहीं सकता, तो हम बोले कैसे नहीं हो सकता, गमले में क्या सब कुछ हो सकता है। तो मैंने इसलिए आपको पपीता दिखाया था, गन्ना दिखाया था, अनार दिखा रही हूँ और मैं अपने छत की गोभी भी दिखाऊंगी कितनी अच्छी, वो भी दिखा चुके हैं फ्रेंड। मैं उसकी हार्वेस्टिंग करूंगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको कि मेरा गोभी देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और मैं जैसे करती हूँ फ्रेंड उस तरीके से करते हैं तो आप छत पे आप सब कुछ आपके हो सकता है। तो ये फ्रेंड देखिए अनार के दाने निकल रहे हैं, इसमें से एकदम पके हुए अनार है और मुझे भी खुशी हो रही कितना सुंदर सा अनार है। और जब पेड़ का पका हुआ देखिए कोई फल तो उसकी बात ही अलग होती है, मन करता तोड़ लें और खा लें। तो मेरा भी वही हाल है, मैं जब इसको देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ, लगता है बस अब इसको निकालो बैठ के छत पे ही खा लो। जैसे गन्ना मैं तोड़ के छत पे ही आती हूँ तो खा लेती हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह फ्रेंड मैं छत पे आई हूँ, ब्रश भी नहीं की हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ये अनार को निकाल लूँ और आप लोग को छोटा सा वीडियो बना दूँ। क्योंकि छत पे जब आती हूँ तो कुछ कुछ काम करती हूँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो ऐसे ही चली जाती हूँ फ्रेंड। तो आज मैं छोटी सी वीडियो बना दे रही हूँ क्योंकि मैं जो करती हूँ वो दिखा दूँ आपको तो मेरे को संतोष भी होता है। क्योंकि बहुत फ्रेंड बोलते हैं कि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, और कुछ कहते हैं आपके हाथों में जादू है क्या। तो मेरा तो यही हाल है फ्रेंड कि मैं आप लोग को इसलिए दिखाती रहती हूँ। इसमें देखा मैंने जो डाला था अपने किचन वेस्ट का ही खाद डाला था, वो मैंने आपको दिखाया था किचन वेस्ट से, मैंने किनारे किनारे इसमें खाद डाल के आपको बताया भी था मैं किस तरीके से खाद डालती हूँ। अब इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, पत्तियाँ भी अच्छी आने लगी हैं, तो एक बार मैं फिर इसमें खाद डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जो मैं करती रहती हूँ अपने पौधों में वो दिखाना चाहती हूँ कि अनार जो है छत पे नहीं फलता है, सबके पास अनार जो है लगाने तो ठीक है लेकिन फलना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं अनार छत पे लगाई हुई फल भी रहा है, तो वही मैं सोची कि आप लोग को बता भी देती हूँ और खाद में दिखा भी दी हूँ। कटिंग करना इसलिए जरूरी है कि कटिंग करेंगे तो अब न्यू ब्रांच इसकी आना शुरू हो गई है, तो इसकी न्यू ब्रांच आएगी तो आज मैं इसकी कटिंग भी करूँगी फ्रेंड, लेकिन अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। कटिंग करने के बाद क्या होता है, इसकी न्यू पत्तियाँ बहुत ही अच्छी निकलने लगती हैं और बहुत हेल्दी सा ये प्लांट हो जाता है। और जब छत पे अनार पका और तोड़ा तो उसका बात ही अलग है, जैसे मैं छत पे आई गन्ना खा ली जब मेरा मन किया, गन्ना खा ली जब मेरा मन किया, अनार तोड़ के खा लिया जब मन किया, पपीता तोड़ लिया। तो छत पे हमको जब सब कुछ मिल सकता है तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है फ्रेंड। तो ये मैंने छत से आज एक अनार तोड़ा है और अभी मेरे और अनार है फ्रेंड, अभी मुझे एक खाना तो एक तोड़ूंगी। और ऐसे ही मैं छत पे आती हूँ जब मन करता अनार एक तोड़ा और खा लिया, तो यही काम मैं करती हूँ। और आपने देखा भी है कि इसको मैंने लगाया है जो पॉट में लगाया है, ये पॉट मैंने आपको दिखाया भी था, देखिए बहुत बड़ा मेरा पॉट नहीं है जो मैंने लगा रखा है, और इसी पॉट में मैंने लगाया है। और ये 50 लीटर का ड्रम जो आता है उसी का मैंने आधा काट करके दो ठो लगा बनाया है, एक ठो इसको लगाया मैंने, एक नींबू का लगाया है। और फिर बहुत सारे घास भी निकल आए हैं, थोड़ा बीच में मैं नहीं काम कर पा रही हूँ अपने गार्डन में, तो जब घास निकले तो फिर घास तो हटाना बहुत जरूरी है। घास हटाने के बाद अभी फिलहाल मैं इसमें थोड़ी गोबर की खाद ही डालूंगी क्योंकि न्यू पत्तियां इसमें आना शुरू हो गई हैं। जब न्यू पत्ती आना शुरू हो जाती है तो गोबर की खाद भी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर पहले मैं कटिंग करूंगी इसकी या फिर गोबर की खाद डालूंगी। तो इस तरीके से मैं अपने पौधे की देखभाल करती हूँ। बस ये है कि अनार को पूरा धूप लगना चाहिए, धूप में अनार बहुत ही अच्छा फलता है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इतना ज्यादा फला था ये मेरा, कुछ आंधी में गिर गया, कुछ
हम लोग तोड़ तोड़ के छत पे आके एक एक ठो खाते चले गए। तो इस तरीके से मैं जब मन किया तब आई खाई चली गई। तो ऐसे करके मेरे अनार अभी कम हो गए हैं। तो मैं उस समय वीडियो बना नहीं पाती फ्रेंड, इसलिए मैं पपीता का ही बता रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि छत पे मैं जाती हूँ तो याद ही नहीं रहता कि कुछ कर लूँ, मोबाइल नीचे ही छोड़ के आ जाती हूँ। तो आज मैं आई हूँ तो छत पे मैं सोच रही वीडियो बना लेती हूँ और आप लोग को दिखा भी देती हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड मेरे साथ इतना देर रहने के लिए।